तो फाइनली हम पहुंच गए पैंगोर, बहुत अल्टीमेट लोकेशन है। व्यू मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, अभी लगी है बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद आपको व्यू दिखाऊंगा। होटल हमने यहीं पे ले लिया है, पीछे रिजोर्ट है, उसका रिव्यू मैं आपको दूंगा रुकने के बाद। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी खूबसूरत सी जगह पर कैसे पहुंच गया, तो चलो इसका मैं आपको चलते हैं थोड़ा सा रिवर्स में और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। चलो बैक टू रिवर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बियर्ड बॉय अंकुर। मैंने लास्ट राइड करी थी जब धनोल्टी की, तो जब बोला था कि जल्दी से फिर एक मोटो व्लॉग आएगा, तो अब नेक्स्ट फिर से प्लान बन गया हमारा, हम फिर निकल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:15, तो सब पैक है, देखो सब पैक पड़ा हुआ है, रेडी है, हम भी रेडी हैं चलने के लिए। और फर्स्ट राइड पे आया हुआ है हमारा मोटा आदमी, तैयार हो के तो रेडी है सारे, तो चलो मिलते हैं अभी रास्ते में, बाकी बातें रास्ते में। तो चलो एडवेंचर वाली मस्त वाली राइड, कहाँ जा रहे हैं हम ये आपको रास्ते में बताऊँ। लॉन्ग राइड करने का ना एक मज़ा ही अलग आता है। ब्रेकफास्ट राइड तो हमारी चलती रहती है मुरथल या कहीं भी नियर अबाउट में चलती रहती है, पर लॉन्ग राइड का जो मज़ा होता है ना, वो तो एक अलग ही फील होता है लॉन्ग राइड पे जाने का। जबरदस्त दस्त वाली ठंड हो रही है क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है धीरे धीरे, तो आज मौसम वैसे भी कुछ काफ़ी ज़्यादा ठंडा था क्योंकि तारे वारे नहीं थे, तो शायद कहीं बारिश हुई होगी। आफ्टर 150 किलोमीटर हमने ब्रेक लिया, यहाँ चाय पियेंगे, मौसम काफ़ी ठंडा था, ठंड लग रही थी, चाय पियेंगे, थोड़ा मज़ा आ रहा चाय पीने का भी। तो बाइकें पीछे दिखाता हूँ आपको, देखो जरा अपने को सामने ही दिख रही हैं। तो कहीं हम स्टे करते हैं या रुकते हैं कहीं, तो सबसे मेन बात यही है कि बाइक सामने दिखनी चाहिए, मेन बात जो है बाइक सामने दिखनी चाहिए। तो वही चीज़ है, बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है, सामने अपने यहाँ से दिख रही है। जबरदस्त राइड के साथ सुबह की शुरुआत होती हुई दिन की, बस सुबह की सूर्य की पहली किरण निकलने वाली है, इसी का इंतजार है। जैसे जैसे दिन होता जा रहा है, सूरज की किरणें निकलती जा रही हैं, सुबह सुबह जो राइड करने का मज़ा आता है ना, ठंडा मौसम है, चिल वाला और पूरा मस्त वाला एडवेंचर, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, नींद तो आने का नाम ले ही नहीं रही क्योंकि जब हम बाइक पे बैठते हैं तो नींद भी सब भूल जाते हैं। तो चलो करो एंजॉय। अभी जो रोड चल रहा है ना, दोनों तरफ पेड़ हैं, बीच में रोड बना हुआ है, पेड़ बिल्कुल ऐसे करके झुके हुए हैं रोड के ऊपर, एक बढ़िया सा व्यू आ रहा है। और जैसे ही ये वाला रोड हम पार करेंगे ना, एक ज़बरदस्त वाला व्यू हमें देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त वाला। वादियों के अंदर, जंगल के अंदर लीन करते करते यूं 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 नागिन की तरह बाइक चल रही है। सामने का व्यू देखो, इतना ज़बरदस्त है ना, इतना ज़बरदस्त, अलग ही कलर का पार है। बाकी सारे ग्रीन है, इसका कलर थोड़ा अलग से ही है। नैनीताल रहता है अभी 10-12 किलोमीटर होगा, हम नैनीताल से आगे जाएंगे पैंगोट जहाँ पे हम स्टे करेंगे, आज वहीं पे रहेंगे हम।
और इतनी दूर आते हैं यार, आपको लिए ही आते हैं इतनी दूर। मतलब कि क्या है कि हम अपने कैमरे से आपको सारी दुनिया के अलग अलग कोने के व्यू दिखाते हैं जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और अब देखो वो जो नीचे से आ रहा था ऊपर सामने से आ रहा है, जबरदस्त व्यू लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। देख के मन खुश हो जाता है यार, ऐसा ऐसा व्यू, ऐसे ऐसे व्यू देख के ना मतलब कि सारी थकावट ना दूर हो जाती है। ये जो सामने पहाड़ के ऊपर पेड़ है ना, इन पे ओस जमी हुई है, ओस जमने की वजह से ना जब इन पे धूप पड़ रही है तो ये ना अलग सी शाइन दे रहे हैं। मतलब कि इतना बढ़िया सा नज़ारा लग रहा है ना देखने में, अल्टीमेट लग रहा है। आ रहे हैं पैंगोत, यहाँ से रहता है 3 किलोमीटर और, नैनीताल से लगभग 13 किलोमीटर और आ गया है। नैनीताल से 2 किलोमीटर पहले ही इसका कट जाता है लेफ्ट साइड पे। तो हम पैंगोत जा रहे हैं, रास्ता सारा जंगल है, सिंगल रोड है बहुत ही छोटा सा, और कवरिंग यहाँ पे जो बहुत स्लो होती है इसलिए टाइम काफ़ी लग जाता है। सिंगल रोड होने की वजह से आगे से कोई गाड़ी आ जाती है जब भी दिक्कत हो जाती है। बस पहुंचने वाले हैं, देखते हैं वहाँ के व्यू कैसे हैं, थोड़ी सी देर और। पहाड़ों में ना आने के बाद एक चीज़ और होती है, यहाँ पे आके ना कान ऐसे लगता है कि बंद हो गए हैं, सुनाई देना कम हो जाता है। जैसे जैसे नीचे उतरते हैं फिर एकदम खुलते जाते हैं। ऐसा शायद मे भी मुझे लगता है एल्टीट्यूड की वजह से होता हो। ऐसी ऐसी जगह पे एडवेंचर करने का ना मैं तो स्वाद ही अलग आता है, ऐसे ऐसे रोग हूँ छोटे छोटे। जबरदस्त वाला व्यू। ये सारे उतर गए हैं, अब इनसे वापस बाइक के निमोड़ी है, बाइक का वेट इतना है और जगह स्पेस तो यही है लिमिटेड, सबसे भारी। तो फाइनली हम पहुंच गए पैंगोट, बहुत अल्टीमेट लोकेशन है। तो जो ये हैं ये यहाँ के गांव के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। तो इन गांव के घरों के बीच में से जो है हमारे होटल का रास्ता बना हुआ है, लाइक ऐसे है कि जैसे होम स्टे हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फीलिंग, रहने का पूरा एंजॉय हम यहाँ कर रहे हैं।